नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुमिता और खट्टी मीठी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार और झारखंड की बहुत ही मशहूर, जी हां बहुत ही मशहूर लिट्टी की रेसिपी लेकर आई हूं, क्योंकि हमारे यहां बारिश भी हो रही थी और आज शनिवार भी था और शनिवार आते ही हमारे घर में सबकी फरमाइश यही होती है। तो चलिए सबसे पहले लिट्टी के लिए हम भरावन की सामग्री तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक चॉपर मशीन में प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची को डाल करके कद्दूकस कर लिया है। इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है, देखिए कुछ इस तरह। अब एक अलग बर्तन में चने का सत्तू ले लेंगे, इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम है और इसमें अजवाइन को डाल देंगे। हल्के हाथों से रगड़ कर डालें, इससे इसका फ्लेवर ज़्यादा आता है। और इसमें कलौंजी भी डाल देंगे, जिसे मंगरेला बोलते हैं। फिर इसमें स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च डाल देंगे और इसमें बाकी कटी हुई जितनी भी सामग्री थी, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची वाली, वो इसमें हम डाल देंगे। फिर इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। अगर आपके घर में आम का अचार है तो एक चम्मच उसका भी तेल डाल दें और एक आम का अचार डाल दें। मुझे याद है मेरी मम्मी लिट्टी के लिए जब भी भरावन तैयार करती थी तो आम का अचार डालना कभी नहीं भूलती थी, और सच में अचार डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता था। अब हम सारे मिश्रण को एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे, इस तरह हाथों से मसल कर मिलाएं, जिससे इसका सारा फ्लेवर और सत्तू में अच्छी तरह से मिल जाए। फिर इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती भी डाल करके एक बार अच्छी तरह से मिश्रण को मिला लेंगे। लिट्टी के लिए भरावन तैयार हो गया। अब हम लिट्टी के लिए आटा लगाएंगे। लिट्टी बनाने के लिए हम गेहूं का आटा ले लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मैदा भी मिला सकते हैं। फिर इसमें आधा चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। फिर हम सभी चीज़ों को सूखा ही हाथों से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। आटा गूंथने के लिए सबसे पहले हम इसमें दूध डालेंगे, और दूध यह पहले से ही गर्म करके ठंडा किया हुआ है। दूध डालने के बाद आटे में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम पानी डालेंगे। आटा में दूध डालने से लिट्टी बहुत ही अच्छा खस्ता तैयार होता है, और इसमें फिर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालते हुए आटा तैयार कर लेंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा और लिट्टी अच्छा नहीं तैयार होगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही पानी डालते हुए हमें आटा लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। लिट्टी के लिए आटा भी तैयार है और हमारा भरावन भी तैयार है, तो चलिए लिट्टी बनाते हैं। आटे में से हम एक छोटी सी लोई ले लेंगे और उसे उंगलियों की मदद से गोल गोल घुमाते हुए कटोरी नुमा आकार देंगे। अब इसमें हम सत्तू वाली फिलिंग डाल देंगे। सत्तू के मिश्रण को उंगलियों से दबाते हुए फिर गोल गोल घुमाते हुए हम इसके लिट्टी के मुंह को बंद कर देंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा आटा हो उसे हम निकाल देंगे। तो लीजिए, हमारा पहली लिट्टी तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी सभी लिट्टियों को भी तैयार कर लेंगे। लिट्टी जो है यह पहले बिहार की ही पहचान थी, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता देश से निकल करके विदेशों तक पहुँच चुकी है, और इसे खाना और बनाना बहुत ही सुविधाजनक होता है। इसलिए जब कभी भी हम लोग सफ़र पर जाते हैं तो लिट्टी ले जाना कभी नहीं भूलते। एक कहावत है, लिट्टी मांगे चार यार, चोखा, चटनी, घी, अचार। पहले हम आलू का चोखा तैयार कर लेंगे। इसके लिए उबले हुए आलू में कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, नमक और सरसों तेल डाल करके हम चोखा तैयार कर लेंगे। अगर आपको बैंगन पसंद है तो इसमें आप बैंगन भी डाल करके मिला सकते हैं। तो इस तरह आलू का चोखा तैयार हो गया। अब हम टमाटर को पका करके आलू के चोखे की तरह ही टमाटर का भी चटनी तैयार कर लेंगे। तो चोखा और चटनी तैयार है। अब चलिए लिट्टी को हम बनाते हैं। आज हम लिट्टी अप्पम मेकर में बनाएंगे। अप्पम मेकर में सभी खानों में हम घी से इसको ग्रीस कर लेंगे, फिर एक एक करके सभी लिट्टियों को इसमें हम डाल देंगे। इस तरह इसमें लिट्टी बनाना बहुत ही आसान होता है, और इसमें कोई भी बना सकता है। बहुत ही आसान तरीके से इसमें लिट्टी तैयार हो जाती है और बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। सभी लिट्टियों को एक एक करके इसमें हम अरेंज कर लेंगे, फिर इसे ढक्कन से ढक करके 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे।
ध्यान रहे आंच स्लो ही रखना है। अब चलिए हम सभी लिट्टियों को एक एक करके पलट देते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी लिट्टी सीख गया है। इसी तरह सभी लिट्टियों को हम उलट देंगे और एक बार फिर से ढक्कन को ढक करके थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। बस हमें थोड़ी थोड़ी देर पर इसे पलटते जाना है और एक बार की लिट्टी बनने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, न इसमें हीट ज़्यादा लगता है न कोई परेशानी होती है। हमारी मम्मी तो अब बुज़ुर्ग हो गई हैं तो उनको अब इसी में लिट्टी बनाना ज़्यादा आसान लगता है और एक बार में 12 लिट्टी तैयार हो जाती है। गाँव में तो आज भी लिट्टी गोइठे पर ही बनाई जाती है और उस पर बनी लिट्टी सच में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, पर शहरों में इतना सुविधा है नहीं कि हर जगह गोइठा मिल जाए, तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। लिट्टी लगभग सीख ही गया है। देखिए कुछ लिट्टियाँ फटी फटी दिख रही हैं, इसका मतलब है कि लिट्टी अच्छी तरह से अंदर से सीख चुका है। और जो लिट्टियाँ नहीं सीखी है उसका देखिए बीच में ढक दीजिए और उसको किनारे कर दीजिए। इस तरह से अदला बदली करके आप लिट्टियाँ को आसानी से सेक सकते हैं। अब चलिए सारी लिट्टी हमारी तैयार है खाने के लिए। अब चलिए हम आपको खाने का तरीका भी बता देते हैं कि इसको कैसे खाना है। सबसे पहले लिट्टी को हम तोड़ लेते हैं, फिर इसे घी में अच्छी तरह से डुबो करके इनके चार साथी के साथ खाना है, मतलब चार यार, चोखा, चटनी, घी और अचार। आप भी अगर लिट्टी बनाने की सोच रहे हैं तो अगली बार इसी तरह से बनाइए और अपना अनुभव को हमारे साथ शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। एक्सप्रेशन देखिए, आपको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिट्टी कितनी टेस्टी बनी है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।